दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको बताने वाला हूं राजस्थान बेरोजगारी भत्ते का ऑनलाइन आवेदन, और जो आपने आवेदन पहले से किया हुआ है तो उसका जो पेमेंट्स है इस महीने का, उसको आप किस प्रकार चेक कर सकते हैं। दोनों चीज़ों के बारे में आपको जो भी आपके मन में सवाल हैं, जो भी डाउट्स हैं, उन डाउट्स को क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ राजस्थान बेरोजगारी भत्ते का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बेनिफिट्स और रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चाहिए, तो इसी के बारे में बताने वाला हूँ। इसके बाद मैं बताने वाला हूँ अगर आपने पहले से आवेदन किया तो उसका स्टेटस, उसका पेमेंट किस प्रकार आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं, नया आवेदन करने के लिए जो मेल को आप 3,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे, फीमेल को 3,500 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे, और 12वीं पास होना काफ़ी ज़रूरी है, राजस्थान का मूल निवासी होना काफ़ी ज़रूरी है। इसके बाद कुछ देख सकते हैं, परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से ज़्यादा ना हो, 21 से 35 वर्ष के बीच में उसकी जो एज है वो होनी चाहिए, 12वीं पास भी होना चाहिए। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसके, तो यहाँ पर आधार कार्ड, पहचान पत्र, मूल निवास आय और राजस्थान एसएसओ आईडी और राजस्थान भामाशाह मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये डॉक्यूमेंट्स आपको काफ़ी ज़रूरी है। रुको, ऑनलाइन आवेदन करने से पहले इस ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसको कंप्लीट अपने पास में रखना है। यहाँ पर इस वेबसाइट पर आ जाना है, ये राजस्थान के ऑफिशियली गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की गई ऑफिशियली वेबसाइट है। यहाँ पर आने के बाद ये देख सकते हैं जॉब सीकर रजिस्ट्रेशन, अगर नया आवेदन करना चाहते हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको ये एसएसओ आईडी पर रिडायरेक्ट कर देगा, वहाँ पर आपको लॉगिन करना है अगर आपने पहले से बनाई है, नहीं तो आपको साइनअप करना है। उसी के माध्यम से, राजस्थान एसएसओ आईडी के माध्यम से भी आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं या ई मित्र के थ्रू भी भर सकते हैं। इसके बाद मैं बताने वाला हूँ अगर आपने पहले से कोई फॉर्म फिल किया है और पहले से आपने आवेदन कर चुके हैं तो जो इस महीने का पेमेंट किस वजह से नहीं आया उसका स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये जॉब सीकर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर टाइप करना है, इसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ जाके आप सीधे इस पेज पर आ सकते हैं। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ या मोबाइल नंबर और जॉब सीकर रजिस्ट्रेशन नंबर, ये तीनों चीज़, सबसे पहले आपको जॉब सीकर रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर फिल करना है, इसके बाद मोबाइल नंबर या डेट ऑफ बर्थ यहाँ से फिल करनी है, सर्च बटन पर क्लिक कर देना, जो भी आपका पेमेंट का स्टेटस है इस महीने का वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, वो भी इसमें आपको सो जाएगा किस वजह से आपका पेमेंट नहीं आया और आया तो कितना आया, किस डेट को आया, सारी चीज़ों के बारे में आसानी से यहाँ पर सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं काफ़ी सिंपल है, काफ़ी लोगों के मन में डाउट्स हैं कि पीडीएफ फाइल वो होगी, कुछ नहीं है, या ऑफिशियली वेबसाइट पर आना है। यहीं पर आने के बाद आपको यहीं पर जो अपना रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर और आपकी जो एज या मोबाइल नंबर के थ्रू दूसरे जो ऑप्शन है वहाँ से आपको फिल करना, आसानी से स्टेटस चेक कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर।